बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हनीम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वाली तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे हमारा जो एनवीडिया का जी फोर्स एनवीडिया FX380 लो प्रोफाइल जो है उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो डिस्प्ले नहीं दे रहा था और चलते चलते उसका डिस्प्ले ऑफ हो गया। तो आइए चलते हम उसको रिपेयर करते हैं। अब देखें, नो VGA केबल डिटेक्ट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं VGA केबल चल लग रही है। तो आइए चलते हैं, हम इसको रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये एनवीडिया का लगा हुआ है कार्ड, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हार्ड ड्राइव है उसको हम निकाल लेते हैं। हार्ड ड्राइव को निकालने के लिए कहाँ से प्लग आउट करेंगे उसको भी, और ये हमारी हार्ड ड्राइव रिमूव होगी। अभी हमारे पास ये एनवीडिया का कार्ड लगा हुआ है तो हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको निकालता हूँ। दोस्तों हमारे पास ये एनवीडिया का कार्ड आ चुका है, इसमें दोस्तों ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है इसको रिपेयर करने के लिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो है ये हीट सिंक या कूलिंग फैन है इसको हम रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर अगर आपके पास जो लॉक लगे हुए हैं तो हम उसको क्या करेंगे, किसी भी स्क्रू ड्राइव से या किसी भी ऐसी चीज़ से जिसको आप पकड़ सकें, हम इसको यहाँ से ये जो इसके पॉइंट है इसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर को प्रेस और फिर इसको, तो ये हमारा जो जैक है ये लॉक है, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह हम दूसरे को, और इस तरह हम चारों को हम क्लियर कर लेंगे। जैसे हम इन चारों को क्लियर कर लेंगे तो हम आपको दिखाएँगे। हमारे पास दोस्तों ये रिमूव हो चुका है, तो अभी हम इनको यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर ये मेरे पास एनवीडिया का कार्ड आ चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको डस्ट क्लीन करेंगे। डस्ट क्लीन करने के बाद अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर दो चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पर ये इसकी जो थर्मल पाउडर थर्मल पेस्ट है वो लगा हुआ है, और इस पर भी लगा हुआ है। हमारी एनवीडिया की चिप है जिसको हम FX380 मॉडल की चिप इस पर लगी हुई है, हम इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मॉडल भी है, ये क्वाड्रो FX380 है और ये लो प्रोफाइल है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसको क्लीन करना है, सारे को क्लीन कर लेंगे। सारे को क्लीन करने के बजाय आप दो चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो ये पॉइंट है गोल्डन पॉइंट जो PCI एक्सप्रेस स्पॉट में लगते हैं, हम इनको रिमूव करेंगे। यहाँ पर इनको हम रेजर से किसी भी चीज़ से अब इनको यहाँ से क्लीन करेंगे, जो भी इस पर कार्बन वगैरह लगी हो, क्योंकि ज़्यादा देर चलने के लिए चलने के बाद या ज़्यादा देर चलने से जो फ़ैन है कूलिंग फ़ैन है वो सिस्टम में डस्ट वगैरह निकालता रहता है, लेकिन वो सिस्टम में जो डस्ट पड़ जाती है वो इन जगहों पे इन स्लॉट्स में चले जाती है। हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए हमने इनको यहाँ से जिस रेजर से या किसी भी ऐसे क्लीनर से जहाँ से वो डस्ट वगैरह या जो भी मीन्स कार्बन वगैरह हो वो रिमूव हो जाए। हम इसको क्या यहाँ से रिमूव करेंगे स्कैन क्लीन करने के बाद। उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे। ये बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, इससे बहुत आसानी के साथ अपने जो आप कार्ड है ग्राफिक कार्ड्स उनको रिपेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर ये कार्बन वगैरह सारी जो है इसमें से रिमूव हो चुकी है तकरीबन, क्योंकि ये परमानेंटली रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा इसे अच्छे तरीके से यहाँ से इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से आप क्लीन करें, उसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो ये पेस्ट है, ये थर्मल हीट थर्मल होती है, इसको हम रिमूव करेंगे। उसके लिए हम इसको रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर इस पर दोबारा से पेस्ट लगाएंगे। ये थर्मल ग्रीस है दोस्तों, ये HY410 है, और ये बहुत सारे ये CPU VGA LED चिप्स वगैरह उसमें ये यूज़ की जाती है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम इनको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ, लेकिन अगर मैं दोबारा से कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से इस ग्रीस को यहाँ से रिमूव करूँगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये ग्रीस जो है इसकी रिमूव हो चुकी है। उसके बाद हम अपना जो इसका चिप है उस पर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखें, ये जो हीट चिप लगी हुई है, ये एनवीडिया की है, यहाँ पर ये एनवीडिया की चिप लगी हुई है। तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, इस चिप पर हम इसका थर्मल ग्रीस जो है वो लगाएंगे सबसे पहले। तो हम इस थर्मल ग्रीस को यहाँ पर, हम इस थर्मल ग्रीस को इस पर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी आपने लगानी है, क्योंकि ये आपकी चिप के ऊपर ही लगी रहे, साइड पे ना जाए। तो ये मैंने थोड़ी सी इस पर लगाई, थोड़ी सी इस पर थर्मल ग्रीस लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पर इसको ओके करता हूँ। अब हाथ से कर लें, किसी भी चीज़ से करने के बाद कोशिश ये करेंगे ये थर्मल ग्रीस आपके चिप के ऊपर ही लगी रहे। तो हम इसको यहाँ से दोबारा से इस पे इसका जो कंपोनेंट है वो लगाते हैं। तो हम इसको सिर्फ प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद हमारा जो है ये एनवीडिया का जो कार्ड है, ये हमारा लग चुका है, इसका जो क्लियरेंस है वो हो चुकी है। तो क्योंकि हमने इसका जो है वो थर्मल ग्रीस ऐड करनी थी, तो हम इसको दोबारा से यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसका अपना जो हार्ड ड्राइव है वो लगा सकते हैं। हार्ड ड्राइव लगाने के बाद हम इसको बंद करते हैं, सॉरी। इसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद हम अपना जो इसके जैक हैं वो लगाते हैं। जैक लगाने के बाद मैंने इस सिस्टम को जो है ये अभी ऑन किया, और हम ये देखें दोस्तों, ये मेरा एनवीडिया का कार्ड जो है, जो ये मेरा जो एनवीडिया का कार्ड है, ये रिपेयर हो चुका है, और ये बस बहुत प्यारा डिस्प्ले भी दे रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।